और यहाँ पर आप लोग एग्जॉस्ट नॉट सुन सकते, दोनों की गाड़ी साथ ही चल रहे हैं, जिससे हम और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड हो रहे हैं बाइक के, और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुन रहे हैं। तो जाके जल्दी से हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, बस अच्छे से हेलमेट मिल जाएगी। ये वाला हेलमेट काफ़ी ज़्यादा पैडिंग इस वक्त और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, हेलमेट चेंज करने के लिए। यहाँ बस आप लोग एन एस टू हंड्रेड का पंच देख सकते हो, एक ऐसी बाइक है जिसको आप लोग चलाते हो तो इतना ज़्यादा पावर, बल्कि ज़्यादा अच्छा इसका साउंड। और ये एक्टिव वाला हम लोग को चार्ज करने का ट्राई करते हुए निकल रहे हैं। और ये पता नहीं है हमें कैसे गिर गया, शायद मेरे ख्याल से मोड़ से टाइम पैर नहीं पहुंच पाया होगा या कोई सामने आ गया होगा, जिससे हम चोट उठी है आगे हम निकलते हैं आते हुए। और यहाँ पे वही एक्टिवा वाला एन एस 200 के साथ काफ़ी टाइम से मतलब टेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ पे आरसी के साथ बात मेरे सामने आती है, मतलब दोनों के साथ क्लोज कॉल होते होते बच गया। और यहाँ पे हम लोग उतना ज़्यादा मकान नहीं रहे, नॉर्मल चला रहे हैं, हम उसको लगा कि वो हम लोग पीछे चल दे रहे हैं और अपनी अलग बाइक में चले जा रहे हैं। यहाँ पे एन एस 200 और आर सी 200 दोनों तो उसके पीछे निकल गए, लेकिन मेरे को तो रिकॉर्ड करना था, मेरे को उसके पीछे ही चलना पड़ेगा। देख रहे सिग्नल से निकलते ही स्टार्ट हो गया। ए ए ए ए ए ए अभी तो घुसा दिया था बाजी में, हाँ पाँचे वाला दोनों में, दोनों में। यहाँ पे एक और स्टॉप लग चुका है और एन एक्सपीरियंस को ज्वाइन करने के लिए पहुँच चुके हैं।